अभी यूपी का हाल आपको बताया, वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे चल रहे हैं। यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे चल रहे हैं। 305 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, इंडी अलायंस 210 सीटों पर आगे चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आगे चलते हुए दिख रहे हैं, ये इस वक्त की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए बीजेपी 9 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 2, तमिलनाडु में 33, 1 और 5 का आंकड़ा है, ये तस्वीर दिख रही है। और वाराणसी में नरेंद्र मोदी के आगे चलने की खबरें लगातार आ रही हैं। महाराष्ट्र की 27 सीटों पर अब इंडी अलायंस आगे है और बंगाल में लगातार आगे पीछे हो रहा है, बीजेपी 20, टीएमसी 21 और कांग्रेस गठबंधन 1। बिहार में बीजेपी गठबंधन लगातार लीड बनाई हुई है, 29 सीटों पर आगे है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान है उनके लिए। कर्नाटक में 16 और 12 ये बीजेपी के लिए नुकसान की खबर आ रही है, कर्नाटक की 28 सीटों में से। मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, 29 सीटों पर लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन फिर आगे हो गया है, 27 सीटों पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन 19 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे है। यानी कि राजस्थान में अगर आप देखें, एक उलटफेर बीजेपी के लिए राजस्थान में दिख रहा है, जहां पर 12 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे है। अब जरा आपको बिहार का हाल दिखाता हूं, यूपी की एक एक सीट बताइए, आपको बिहार की एक एक सीट बताता हूं, जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर बिहार की सीटें डालिए, बिहार में क्या तस्वीर है, एक एक सीट पर आपको हाल दिखाता हूं। बिहार में बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है, अररिया में बीजेपी आगे, बीजेपी गठबंधन आगे, बेगूसराय यहां पर बीजेपी गठबंधन आगे, गया, जमुई, खगड़िया, महाराजगंज, नवादा, ये सारी सीटें बीजेपी गठबंधन के पास जा रही हैं। पूर्णिया में अदर्स को सीट जा रही है, सासाराम और सुपौल में आरजेडी आगे है, आरा में बीजेपी गठबंधन आगे, भागलपुर में आरजेडी गठबंधन आगे चल रहा है, गोपालगंज में, झंझारपुर में बीजेपी आगे, किशनगंज में आरजेडी आगे, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इन सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, उजियारपुर में आरजेडी आगे, औरंगाबाद की सीट है, बक्सर की सीट है, हाजीपुर की सीट है, ये इन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, काराकाट, ये यहां पर पवन जो है, पवन सिंह, वो आगे चल रहे हैं, मधेपुरा, यहां बीजेपी आगे चल रही है, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र में बीजेपी आगे चल रही है, पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती पीछे चल रही है, समस्तीपुर एससी सीट है, यहां बीजेपी आगे चल रही है, सीतामढ़ी में आरजेडी आगे, वैशाली में बीजेपी आगे, बांका और दरभंगा में बीजेपी आगे है, जहानाबाद में आरजेडी और कटिहार में आरजेडी आगे है, मधुबनी में बीजेपी, नालंदा में बीजेपी, पटना साहिब में बीजेपी, सारण की सीट जहां से लालू यादव की छोटी बेटी चुनाव लड़ रही है वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, सिवान में बीजेपी आगे है, यहां पर शहाबुद्दीन की बीवी पत्नी जो है वो पीछे चल रही है, और वाल्मीकि नगर में आरजेडी आगे चल रहा है। यानी अगर आप देखेंगे लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं पाटलिपुत्र में और सारण की सीट पर, ये बिहार का हाल दिख रहा है। और ऐसे में अगर लालू यादव की बेटियां पीछे चल रही हैं तो आरजेडी का फाइनल आंकड़ा कहां रुकेगा, ये सवाल खड़ा होगा।